17 जुलाई 2017 को आधी रात के लगभग 11:50 पर सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर कनाडा फ्लाइट 759 लैंडिंग के लिए आ रही थी। बाकी आम दिनों की तरह ये भी एक सामान्य लैंडिंग लग रही थी, लेकिन कैसे एक सामान्य सी दिखने वाली ये लैंडिंग इस प्लेन में बैठे हुए 140 यात्रियों के साथ साथ एयरपोर्ट पर दूसरे 1000 यात्रियों की जान को मौत के मुंह में ले आई। आइए जानते हैं एयरलाइन के इतिहास का एक ऐसा हादसा जहां एक साथ 5 यात्री विमान एक दूसरे से टकराने से बाल बाल बचे। सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो रनवे हैं, 28L और 28R। दोनों रनवे एक दूसरे से महज 750 फीट की दूरी पर एक ही डायरेक्शन में बने हैं। एयर कनाडा फ्लाइट 759 को उस रात रनवे 28R पर लैंड करना था, लेकिन उस रात किन्हीं कारणों की वजह से 28L को बंद कर दिया गया था। लेकिन बदकिस्मती से एयर कनाडा फ्लाइट 759 के पायलट इस बात से अनजान थे कि रनवे 28L उस दिन बंद है। अब चूंकि पायलट पहले भी इस एयरपोर्ट पर कई बार लैंड कर चुके थे, इसलिए उन्हें पता था कि रनवे 28R दाईं तरफ वाला रनवे है। अब चूंकि रनवे 28L की लाइट्स बंद थी, यहां पायलट एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। रनवे 28R के साथ ही टैक्सी वे था, जिसकी लाइट्स को पायलट रनवे 28R समझ लेते हैं। पायलट को लगता है कि रनवे 28R और टैक्सी वे एक दूसरे के साथ साथ बने हुए रनवे 28L और रनवे 28R हैं। उधर टैक्सी वे पर अलग अलग एयरलाइंस की 4 फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट नंबर 1, फिलीपींस एयरलाइन फ्लाइट 115, यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट नंबर 863, यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट नंबर 1118। कुल मिलाकर उन चारों फ्लाइट्स में लगभग 1000 पैसेंजर सवार थे और इन सबसे अनजान एयर कनाडा फ्लाइट 759 काल बनकर उनकी तरफ आ रही थी। नॉर्मल प्रोसेस की तरह उस दिन भी रनवे क्लोजर की इंफॉर्मेशन नोटम चार्ट में जारी की गई थी। नोटम एक तरह का नोटिस होता है जिससे एयरपोर्ट या उसके आसपास किसी भी तरह के बदलाव की जानकारी एयरमैन और पायलट्स को दी जाती है। आमतौर पर ये नोटम नोटिस काफी बड़ा होता है, जिसमें बहुत सारी जानकारी होती है और कई बार हर जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ पाना और समझ पाना मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही शायद एयर कनाडा फ्लाइट 759 के पायलट्स के साथ हुआ। उन्होंने रनवे 28L के बंद होने की जानकारी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उस रात कनाडा फ्लाइट के पायलट्स को विजुअल अप्रोच को फॉलो करते हुए लैंड करने की परमिशन दी गई थी। विजुअल अप्रोच में पायलट रनवे को देखकर मैन्युअली प्लेन की डायरेक्शन और स्पीड को कंट्रोल करते हुए लैंड करते हैं। वैसे भी उस रात मौसम बिल्कुल साफ था और ऐसे साफ मौसम में इस तरह की विजुअल अप्रोच लैंडिंग करना एक बिल्कुल सामान्य बात थी। लेकिन ऐसी गलतियां जहां पायलट गलत रनवे या फिर गलत टैक्सी वे पर लैंड कर जाते हैं, वो पहले भी कई बार हो चुकी हैं। इसलिए आमतौर पर एक्सपीरियंस्ड पायलट्स विजुअल अप्रोच लैंडिंग के दौरान भी ILS लैंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। ILS लैंडिंग के दौरान पायलट प्लेन के नेविगेशन सिस्टम में रनवे की फ्रीक्वेंसी फीड करते हैं, जिसके बाद प्लेन का नेविगेशन सिस्टम पायलट को मॉनिटर पर रनवे की सही डायरेक्शन दिखाते रहते हैं और गलती से किसी और रनवे या टैक्सी वे पर लैंड करने की गुंजाइश ना के बराबर हो जाती है। सभी आधुनिक एयरप्लेन में ये ILS सेटिंग्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं, लेकिन एयर कनाडा फ्लाइट में ये ILS सेटिंग पायलट को मैन्युअली करनी थी और किन्हीं अनजान कारणों से उस रात पायलट ILS सेटिंग को ऑन नहीं करता। एयर कनाडा फ्लाइट के पायलट के लिए ये फ्लाइट काफी थका देने वाली थी। टेक ऑफ और लैंडिंग एयरपोर्ट पर अलग अलग टाइम जोन होने के कारण दोनों पायलट्स काफी थकान और नींद महसूस कर रहे थे। आमतौर पर सभी एयरलाइन पायलट की नींद और आराम का खास ख्याल रखती हैं, ताकि फ्लाइट के दौरान पायलट सही हालत में रहकर सभी महत्वपूर्ण डिसीजन आसानी से ले सके। लेकिन उन दिनों कनाडा एयरलाइंस में पायलट्स के आराम के रूल इतनी बारीकी से फॉलो नहीं किए जाते थे। जानकारी के अनुसार एयर कनाडा फ्लाइट के कप्तान पिछले 19 घंटों से सही तरह से सोए नहीं थे और शायद इसी थकान और नींद में वो टैक्सी वे को रनवे समझने की गलती कर बैठते हैं।
और जैसे जैसे एयर कनाडा फ्लाइट एयरपोर्ट के नजदीक आती जा रही थी, सबकी नजरों से अनजान मौत का साया धीरे धीरे हजार लोगों को अपने आगोश में लेता जा रहा था। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए प्लेन आमतौर पर राइट डायरेक्शन से आकर ही लैंड करते थे, इसलिए एयर ट्रैफिक टावर में से जब कंट्रोलर ने एयर कनाडा फ्लाइट को रनवे 28R की सेंट्रल लाइन से दूर जाते हुए देखा तो उन्हें लगा कि ये प्लेन भी शायद राइट डायरेक्शन से आकर लैंड करेगा। किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि प्लेन टैक्सीवे की तरफ जा रहा है। एयर कनाडा फ्लाइट टैक्सीवे की लाइट्स को फॉलो करते हुए अब धीरे धीरे एयरपोर्ट के काफी नजदीक आ गई थी। विजुअल लैंडिंग अप्रोच के अनुसार पायलट टैक्सीवे को 28R समझकर उसकी लाइट को फॉलो करते हुए प्लेन को टैक्सीवे की डायरेक्शन में ले जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे प्लेन टैक्सीवे के और नजदीक आता है तो एयर कनाडा फ्लाइट के कप्तान को टैक्सीवे पर कुछ लाइट्स दिखाई देती हैं। उन लाइट्स को देखकर कप्तान को लगता है कि शायद रनवे 28R पर कोई दूसरा प्लेन भी है, और इसी बात को कंफर्म करने के लिए वो ATC कंट्रोलर को कॉल करता है और पूछता है कि क्या रनवे पर कोई दूसरा प्लेन खड़ा है। अब जैसा कि ATC कंट्रोलर अभी भी यही समझ रहा था कि एयर कनाडा फ्लाइट रनवे 28R पर लैंड करने के लिए आ रही है, वो रनवे 28R को दोबारा से देखता है और पायलट से कहता है कि रनवे बिल्कुल खाली है और आप बिना किसी परेशानी के लैंड कर सकते हैं। ATC कंट्रोलर और पायलट्स अभी भी आने वाली मुसीबत को समझ नहीं पाए थे। उस रात सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही कंट्रोलर ड्यूटी पर था और सभी लैंडिंग और टेक ऑफ करने वाली फ्लाइट्स को कंट्रोल करना उसकी ही जिम्मेदारी थी। मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि अपने वीडियो बनाने के लिए मैं किस तरह के माइक्रोफोन या कैमरे का इस्तेमाल करता हूँ। वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं बिग पासपोर्ट का USB माइक्रोफोन यूज करता हूँ, जो हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। बिग पासपोर्ट माइक के नॉइस कैंसिलेशन फंक्शन के कारण ही अपने हर वीडियो के लिए मैं परफेक्ट HD वॉइस आसानी से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। इसके अलावा अपनी टीम से ऑनलाइन बात करने के लिए भी मैं बिग पासपोर्ट के USB हेडफोन्स और वेबकैम का इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर आप भी प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं या ऑनलाइन मीटिंग्स करना चाहते हैं तो बिग पासपोर्ट के प्रोडक्ट सभी मेजर ई-कॉमर्स स्टोर जैसे Amazon, Flipkart और Snapdeal पर बहुत ही किफायती प्राइस पर आसानी से उपलब्ध हैं। सभी प्रोडक्ट के लिंक और स्पेशल कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो आइए इसी के साथ वापस आते हैं अपनी केस स्टडी पर। आमतौर पर हर ATC टावर में दो कंट्रोलर होते हैं, एक कंट्रोलर लैंडिंग और टेक ऑफ को कंट्रोल करता है तो वहीं दूसरा कंट्रोलर एयरपोर्ट में प्लेन्स की ग्राउंड मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि इतनी सारी फ्लाइट्स और ग्राउंड ट्रैफिक को अकेले कंट्रोल करने के कारण ATC कंट्रोलर हालात की गंभीरता को समझ नहीं पाया और उसे आने वाली तबाही का जरा भी अंदेशा नहीं हुआ। टैक्सी वे पर सबसे आगे खड़े हुए यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 1 का पायलट ATC कंट्रोलर और एयर कनाडा फ्लाइट के पायलट के बीच हो रही सारी बातचीत को सुन रहा था। यूनाइटेड एयरलाइन का कप्तान भी दूर से आती हुई एयर कनाडा फ्लाइट को अपने कॉकपिट में देख रहा था और वो भी थोड़ा हैरान था कि ये प्लेन रनवे 28R की सेंट्रल लाइन से इतना दूर क्यों है। और जैसे जैसे एयर कनाडा फ्लाइट टैक्सी वे के और नजदीक आती गई तो यूनाइटेड एयरलाइन कप्तान को हालत समझ में आ गए और उन्हें यकीन हो गया कि एयर कनाडा फ्लाइट गलती से टैक्सीवे को रनवे 28R समझकर लैंड करने वाली है। मौत को साक्षात अपने सामने देखकर यूनाइटेड एयरलाइन कप्तान बिना कोई क्षण गवाए तुरंत अपने रेडियो पर ATC कंट्रोलर को बताता है कि एयर कनाडा फ्लाइट टैक्सीवे पर लैंड करने आ रही है। तबाही से सिर्फ चंद सेकंड पहले ATC कंट्रोलर एयर कनाडा फ्लाइट को लैंड किए बिना गो अराउंड करने के लिए कहता है। और इसे शायद मौत को चकमा देना ही कहेंगे कि एयर कनाडा फ्लाइट सिर्फ कुछ मीटर के फासले से सभी चारों प्लेन के ऊपर से गुजर गई।
हवाई यात्रा के इतिहास में ये सबसे बड़ा और भयानक हादसा हो सकता था जिसमें एक साथ हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। मौत को इतनी नजदीक से अपने ऊपर से गुजरते हुए देखकर यूनाइटेड एयरलाइन का कप्तान सुकून की सांस लेता है और एयर रेडियो पर एटीसी कंट्रोलर को कहता है कि एयर कैनेडा फ्लाइट उसके सिर के ऊपर से गुजरी है। United One, Air Canada flew directly over us. सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट की ये असली सीसीटीवी फुटेज दिखाती है कि एयर कैनेडा फ्लाइट सभी चारों एयरप्लेन के कितने नजदीक थी। हालांकि इस हादसे में हजारों लोगों की जान जाते जाते बची थी, फिर भी फेडरल रेगुलेशन के तब के नियमों के अनुसार इस हादसे को जांच के योग्य नहीं माना गया। लेकिन एनटीएसबी के रिटायर्ड चेयरमैन जिम हॉल के अनुसार ये एक बहुत ही संगीन हादसा था और उन्होंने एनटीएसबी से अपने नियमों की दोबारा समीक्षा करके इस हादसे की जांच करने की सलाह दी। आखिरकार 9 जुलाई 2017 को एनटीएसबी ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से इस हादसे की जांच शुरू कर दी। 25 सितंबर 2018 को जारी की गई अपनी फाइनल रिपोर्ट में एनटीएसबी ने कहा कि एयर कैनेडा फ्लाइट के पायलट्स ने नो टाइम रिपोर्ट को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, जिस कारण से उन्हें रनवे 28L के बंद होने की जानकारी नहीं थी और इसी कारण उन्होंने टैक्सीवे को रनवे 28R समझ लिया। एनटीएसबी ने लैंडिंग के वक्त पायलट के द्वारा आईएलएस का उपयोग ना करना भी इस घटना का एक बड़ा कारण माना। एनटीएसबी के अनुसार अगर पायलट्स ने विजुअल अप्रोच के साथ साथ आईएलएस सिस्टम का भी उपयोग किया होता तो वो टैक्सीवे को रनवे समझने की गलती ना करते। इसके साथ साथ कप्तान और को पायलट दोनों ही बहुत थके हुए थे, जिस कारण वो हालत को अच्छी तरह नहीं समझ पाए और ये भी इस गलती का एक मुख्य कारण था। इसके बाद एनटीएसबी ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कई तरह के नियम लागू किए। किसी भी ऐसे एयरपोर्ट पर जहां दो रनवे साथ साथ बने हों वहां रात में विजुअल अप्रोच के साथ आईएलएस का उपयोग भी जरूरी कर दिया गया। एटीसी टावर में दो कंट्रोलर को मैंडेटरी कर दिया गया ताकि एयरपोर्ट ट्रैफिक को अच्छी तरह से बिना किसी गलती के कंट्रोल किया जा सके। ये हादसा एक चेतावनी की तरह लिया गया जिसमें एयरपोर्ट और प्लेन के पायलट्स के बीच होने वाली बातचीत में किसी भी तरह की गलतफहमी को बहुत ही घातक माना गया। लेकिन क्या इस घटना को इतनी सीरियसली लिया गया और आगे से ऐसी दुर्घटना ना हो क्या इसके लिए सभी अनुचित कदम उठाए गए? ये अपने आप में सोचने का विषय है, क्योंकि सिर्फ इसी साल 2023 में एयरपोर्ट रनवे पर इस तरह की गलती होने की कई खबर आ चुकी हैं। न्यूयॉर्क के जेएफके एयरपोर्ट पर दो प्लेन आपस में टकराने से बचे, फेडरल एविएशन मामले की जांच कर रही है। In Austin, an airport crisis caught just in time. बर्बैंक एयरपोर्ट पर बुधवार को दो हवाई जहाजों की टक्कर बाल बाल बची, इस साल में ये लापरवाही की चौथी घटना। हालांकि एयर ट्रेवल आज भी दुनिया में ट्रेवल करने का सबसे सुरक्षित माध्यम है, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि एयरलाइन सभी सुरक्षा नियमों का अच्छी तरह से पालन करें और ये भी सुनिश्चित करें कि अपनी ड्यूटी के दौरान उनके पायलट्स को भरपूर आराम मिले, ताकि वो थकान या नींद के कारण कोई ऐसी गलती ना करें जिससे हजारों लोगों की जान पे बनाए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपके सहयोग के लिए हम सदैव आपके आभारी हैं। धन्यवाद।